मेरे हिसाब से ना बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि हमारा पर्पस क्या है इस धरती में आने का। और जितने स्पिरिचुअल लोगों से मैं भी मिलता हूँ और जितने स्पिरिचुअल लोगों से बाकी के लोग भी मिलते हैं, उनका भी एक ही क्वेश्चन रहता है कि हम इस धरती में आए क्यों, पर्पस क्या है। तो इसके बारे में आप कर रहे हैं कि ना ये इस बारे में भी बताती है कि आप आए क्यों और किस तरीके से आपको जीना है, करना क्या है, उसका क्यों हुआ। एक्चुअली हर साइंस का अपना सब्जेक्ट मैटर होता है। आई बेसिकली आस्क दिस क्वेश्चन, कैन यू प्रूव फिजिक्स थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री? नो, फिजिक्स के अपने स्टडी मैटर है, केमिस्ट्री का अपना है, कंप्यूटर्स का अपना है, मेडिकल साइंस का अपना है, और ये एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअल लाइफ का सब्जेक्ट मैटर है जो आपने अभी क्वेश्चन किया, What is the purpose of life? It is not the answer. This answer आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी नहीं पता लगेगा आपको, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम उसे थोड़ी कह रहे खराब है, उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। फिर पर्पस ऑफ लाइफ का सब्जेक्ट मैटर कहाँ, कौन बताएगा? स्पिरिचुअल नॉलेज बताइए। अब आपने पूछा हमारा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है। आप जितने भी यहाँ इसमें आए हुए हैं, फेयर में भी और जो फेयर में नहीं भी आए हैं, लाइफ में सबका पर्पस एक ही है। बताऊंगा नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु जी अगर बता देता हूँ ना तो आइडिया दे देना। बताइए, आपसे पूछते हैं प्रभु जी क्या लगता है आपको पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? सबका एक है। मजे की बात ये इतना आंसर कर दिया मैंने, ये तो लोग सबके सब कहते हैं नहीं नहीं पर्पस तो चेंज होता रहता है, समय परिस्थिति तो देखकर चेंज होता रहता है, परंतु हम आपको इतना तो एक क्लू देते हैं कि पर्पस तो एक है। आप कहोगे नहीं भाई भक्ति नहीं। शुरू के अंदर आप बच्चे को नहीं कहते कि बेटा तुझे अरबापति बनना है, आप पहले बोलते हो तू पढ़, क्या कर तू पढ़। तो इसी तरीके से आपके लिए प्रश्न एक उठेगा कि मैं चाहता क्यों, क्या जीवन में जो मैं चाहता हूं, जो मेरा पर्पस है वो एक ही है। चलिए इसी का एक छोटा सा पार्ट आपको बताता हूँ, और ये किताब भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखी है। ये एक जिज्ञासु है और एक उपदेशक है। जिज्ञासु जो आप लोग प्रश्न करते हैं, मैं पिछले 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज को पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। मेरे मन में प्रश्न उठे बहुत सारे, बचपन से उठे। फादर मेरे आर्मी में ऑफिसर थे। जैसे आपने प्रश्न किया पर्पस क्या है, मैं जी क्यों रहा हूँ कि एक दिन मर जाऊँगा, जीरो हो जाऊँगा? सॉरी, आई वुड नॉट लाइक टू माई ऑल माई एफर्ट्स टू बिकम ज़ीरो। तो यहाँ पर्पस ये है, आप जब छोटे थे कंचे खेलते थे या कुछ खेलते थे तो आप जीतना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? जीतने से आपको क्या मिलता था? खुशी मिलती थी। जब स्टूडेंट लाइफ में आए तो अच्छे नंबरों से आपको क्या मिलता था? खुशी मिलती थी। नौकरी मिली या बिजनेस में गए तो उससे क्या मिला? खुशी मिली। आपने जितने रिलेशनशिप लाइफ के अंदर बनाए, गाड़ी खरीदी, रिलेशनशिप बनाया नहीं बनाया? बनाया आपने रिलेशनशिप। घर बनाया, क्या मिली? अर्थात गोल क्या है, पर्पस क्या है, कि मैं खुश कैसे हूं। सबका गोल एक है, परंतु एक्चुअली फंस बताऊं कहाँ गए? मजे में। मजा अलग है और खुशी अलग है। मजा आता है और जो खुशी आए और जाए उसको क्या कहते हैं? मजा। और जो खुशी रुके और रह जाए और बढ़े उसको कहते हैं असली खुशी। और लोग सब जीवन में यही चाहते हैं। इज इट नॉट दैट व्हाट यू वांट? यही चाहते हो, परंतु अभी तक प्राप्त कर पाए? अभी तक मजा कर पाए? लेट्स एंजॉय लाइफ। एंजॉयमेंट इज मजा। फंस गए, देखा है जी। लेने गए थे पैसे बैंक में, मिल गए चूरण के नोट और उसी से खुश होके वापस आ गए। ये तो बेवकूफ़ी है। स्टडी करो ना चूरण के नोट को, कि भैया चलेगा क्या, अरे मजे से क्या मजा है जब तक कि वो रुके ना, और जब वो रुक जाए और बढ़े तो फिर उसको कहते हैं खुशी, आनंद, ब्लिस, हैप्पीनेस, नॉट एंजॉयमेंट। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या हुआ प्रभु जी? टू बी हैप्पी। नाउ जो आपने से वर्ड बोला भक्ति, भक्ति में भी खुशी है। भक्ति और खुशी ये पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स हैं ये। जैसे कि प्यास बुझना किससे बुझती? पानी से। तो पानी पीना और प्यास बुझाना एक किस्म से दोनों एक ही चीज़ है भाई। प्यास लग रही है, प्यास बुझ गई तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली हम समझते हैं इसने पानी पी लिया। तो इसी तरीके से भक्ति क्या है, उसका आनंद चाहिए, पर तो आनंद मिलेगा कैसे? वो मार्ग क्या है, वो मार्ग क्या छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मैंने थोड़ी छोड़ा है, मैं टीचर हूँ। अब आप टीचर को कहोगे सब कुछ छोड़ दिया है तो गलत बात है। हमें कई बार लोग कहते हैं आप तो छोड़ दिया सब। मैंने, मेरी वाइफ बैठी LLM है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, LLB LLM स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी। छोड़ा क्या है? जोड़ा है। क्या किया है? जोड़ा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कहाँ गए? राधा कवि कहाँ है? ये वाइस प्रेसिडेंट हैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के, अभी भी काम कर रहे हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करते हैं और काम भी कर रहे हैं अपना। क्या छोड़ दिया प्रभु जी आपने? बंगला है इनका गुड़गांव के अंदर, कर रहे हैं। हाँ देखिए, कुछ लोगों को सोसाइटी में से निकल के आर्मी में भी जाना पड़ेगा, ये तो हम लोग आराम से घूम नहीं पाएंगे। इसीलिए कुछ लोगों को जो कि रियली सीरियस हैं उनको टीचर भी बनना पड़ेगा, नॉट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर बिजनेस। आज इसको भी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री नहीं आता, ये फ्री। ये तो मेरे को कई बार लोग बुलाते हैं लेक्चर्स के लिए, मैं कोई चार्ज नहीं करता। मैंने कहा जो दिल करता है दे देना, नहीं दिल करे मत देना। आई डोंट चार्ज, इनको पता है, मैं बता चुका हूँ सारे को। अगर वो कहने लगे चलने दो, आप करने दो, बहुत पैसा आएगा। मैंने पैसा चाहिए, पैसा चाहिए नहीं, और चाहिए भी, शरीर तो निर्वाह करना है, पर तो चार्ज नहीं कर सकते। तो पर्पस ऑफ लाइफ हुआ कि आनंद कैसे प्राप्त हो, मुझे वो खुशी कैसे मिले। और ध्यान रखिएगा एक चीज, यदि आप मुकेश अंबानी नहीं बनते तो क्या फेलियर है लाइफ में? अरे मजा तो जब है कि जब 10 रुपये जेब में हो और फिर भी आनंद दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति से ज़्यादा है, क्योंकि आनंद आपके हाथ में है। मज़े के लिए आपको दूसरी चीज़ चाहिए, या तो व्यक्ति चाहिए या कोई वस्तु चाहिए, परंतु आनंद प्राप्त करने के लिए ना तो दूसरा व्यक्ति चाहिए और ना ही वस्तु चाहिए, वो आप स्वयं अपने हाथ में रख सकते हैं। बताइए तो सफल होने का मतलब क्या हुआ आनंद में? प्रभु जी सब लोग टॉप पे नहीं आते। मोटिवेशनल लेक्चर्स में जाओगे कहते हैं एवरीवन बिकम CEO। कैसे बनेंगे प्रभु जी CEO? कितने होते हैं आपके? एक होता है, एक ही CEO होता है ना प्रभु, उसका मतलब वही सक्सेसफुल है, बाकी सब फेलियर्स हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये आपको नॉलेज बताएगी, ये ज्ञान लुप्त हो गया है कि कैसे आप किसी भी स्थिति में रहकर आप सफल कैसे हो सकते हो। सफलता का मतलब है How can you be satisfied in the position where you are? You are the richest person in the world. आप सबसे रईस जब हो जब आपके पास पैसे। वाले तो हर टाइम ऑर्डर दे दे, भिखारी नहीं होते प्रभु जी, बताओ मुझे। मैं तो मुँह पे बोलता हूँ उनके, भिखारी कैसे हो सकता है रईस? सेटिस्फाइड वाला व्यक्ति होता है रईस। सही बात है गलत बात है? The person who is in want, who is wanting every time, how can he be called successful? He's a beggar. He's a beggar. And the person who's satisfied, he is a rich person. He is not begging with anyone. और ये नॉलेज कैसे आए? क्या हमारा आगे बढ़ना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ये सब आप इसमें, and the other books are also coming. इसके पार्ट्स आएंगे जो भी आपको क्लियर कर देंगे। अब पर्पस के साथ अभी नहीं बताऊँगा कि वो इस किताब में नहीं है, पर इस किताब में ये है कि क्या जानना पड़ेगा, किसका पर्पस? गाड़ी का पर्पस और ओनर का पर्पस कौन सा इम्पोर्टेंट है? गाड़ी का ओनर का पर्पस इम्पोर्टेंट है कि गाड़ी इम्पोर्टेंट है? ओनर ऑब्वियसली। तो पर्पस किसका होगा? अभी आप लोग जो कर रहे हैं ना सब का सब, ये गाड़ी का पर्पस में लगे हुए हैं, गाड़ी को चमकाए जा रहे हैं और अंदर ओनर का सत्यानाश हुआ हुआ है। अगर ओनर का बढ़िया हो जाए तो गाड़ी कोई भी हो। मैं जानता हूँ कई लोगों को, वो कहते हैं मर्सिडीज भी है मेरे पास, परंतु मुझे 800 में बिठा दोगे तो बैठने के बाद मुझे पता नहीं फिर, क्योंकि मेरा सारा दिमाग कहाँ चला जाता है? फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में चला जाता है। तो मुझे पता ही नहीं मैं बैठा कहाँ हूँ। तो ये नॉलेज मिल जाए तो प्रभु जी बताइए, यही लुप्त ज्ञान है। आज हर व्यक्ति टेंशन में, पेरेंट्स भी टेंशन में, बच्चे भी टेंशन में, जिसको देखो वो टेंशन में, और दे आर पासिंग ऑन टेंशन। आज बताइए एक माता पिता अपने बच्चे को क्या देगा जो उसके पास है? उसके पास टेंशन है तो क्या देके जाता है? टेंशन देके जाता है। सही बात है, गलत बात है? हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमारे ग्रैंडफादर को दी टेंशन, उससे ज़्यादा टेंशन मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को दी और फादर ने मुझे दी। और मजे की बात ये होती है जैसे ही बढ़ता जाता है ना, इसमें इंटरेस्ट लगता रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या तो टेंशन बढ़ती जाती है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। लेट अस स्टॉप इट। सो रोकें कैसे? टेक दिस नॉलेज। ये मैं गारंटी करता हूँ आपको, ये पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं नहीं बेकार थी, कम बैक टू मी, आई गिव यू माय मनी बैक। ये मैं कह रहा हूँ, कर देना, मैं दे दूंगा पैसे आपको।